नमस्कार, मैं यशवंत यादव। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अतीक अहमद के बारे में कि एक छोटे सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा पूर्वांचल का कैसे माफिया बन गया। और एक समय था पूरे पूर्वांचल में उसके नाम का सिक्का चलता था। उसके पिताजी तांगा चलाते थे, तांगा चलाकर अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते थे। अब सोचिए, ऐसे परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कैसे इतना बड़ा माफिया बन गया, क्योंकि उसमें पूरी तरह से, जानते हैं, स्टार्टिंग में यही कांग्रेस पार्टी थी, उसने सत्ता का संरक्षण दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सत्ता का संरक्षण दिया, उसके बाद बसपा ने। हालांकि मैं इस प्रकार का ब्लेम या क्लेम नहीं लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों नहीं आया। वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में या तो बसपा का वर्चस्व था या तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, क्योंकि ये राज्य स्तर की पार्टियाँ थीं, क्षेत्र स्तर की पार्टियाँ थीं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो 5 बार विधायक चुना जाता है और 1 बार सांसद चुन के दिल्ली में जाता है यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने, सोचिए। तो कहीं ना कहीं सत्ता का पूरी तरह से इसे संरक्षण मिला, वहाँ से मदद मिला बड़े बड़े नेताओं का, कि ये बंदा, सोचिए, इतना बड़ा अपराधी आदमी दिल्ली में चला गया, संसद में बैठ के बहस कर रहा है, यहाँ के लोगों की बातें सुन रहा है, क्या कर रहा है सबको पता है। यदि आपको इनके बारे में जानना है तो 2018 में मोहित जायसवाल नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़े कारोबारी थे लखनऊ के अंदर, और 2018 में ये आपके देवरिया जेल में बंद रहते हैं किसी छोटे से प्रकरण में, और वहाँ से ये उठवा लाता है देवरिया जेल में। ये चीज़ें हम मात्र फिल्मों में ही सुने हैं और देखने को मिलता है कि जेल के अंदर व्यक्ति बैठा है, उसके बाद एक आदमी को किडनैप करके लाया जाता है जेल के अंदर ही, उसे धमकाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जो भी तेरी चारों कंपनियाँ हैं हमारे लोगों को सुपुर्द कर दे और यहाँ से निकले, तब तेरा जीवन बचा रहेगा। और हालांकि मोहित जायसवाल ने ऐसा किया, सोचिए इतना बड़ा आतंक था। उसके बाद फिर एक प्रकरण होता है, वो बरेली जेल में शिफ्ट होता है। अब बरेली जेल हो चाहे देवरिया का जेल रहा हो, जब तक समाजवादी पार्टी के लोग थे, बसपा के लोग थे, उसे पूरी तरह से सहय मिलता था, पूरी तरह से संरक्षण मिलता था, और अपनी अपराध दुनिया का जो तंत्र था, जो सिस्टम था, वो जेल के माध्यम से ही संचालित करता था। 2011 में मुझे याद है, जब हम लोग इलाहाबाद में पठन के लिए गए थे, यूनिवर्सिटी में हम लोगों का दाखिला हुआ, वहाँ पर पढ़ने गए थे, हर जगह अतीक अहमद, अतीक अहमद, मतलब बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते थे, और उनके खिलाफ, यदि आपको जानना, एक प्रकरण था, जेल के अंदर से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, और उसके लिए जजों की हियरिंग होने वाली थी, 10 जज, सोचिए जजों में ये खौफ था उस समय कि 10 जज लीव ले लिया, कोई क्या बहाना बना रहा, कोई कौन बहाना बना रहा। उसके बाद दूसरे राज्यों से जज लाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है, फिर हियरिंग में ये कहा जाता है कि जी भैया आप चुनाव लड़ सकते हैं। इतना बड़ा खौफ कि न्यायिक व्यवस्था में जो लोग सक्रिय हैं, जो लोग जुडिशरी सेक्टर को सिक्योर किए हैं, उसकी स्वतंत्रता को, ठीक है, बनाए रखे हुए हैं, वो भी इससे डरते थे। उसके बाद आपको पता है 2006 में राजू पाल की हत्या होती है, और वहाँ पर एक आई विटनेस रहते हैं उमेश पाल, उनको उठा लाता है, वो इतना मारता है, 3 दिन जो है कि किडनैप करके इतना मारा। उस समय 2006 में जो है कि समाजवादी पार्टी का उसे संरक्षण मिला था, इसलिए उमेश पाल कभी अपने अंदर से वो ताकत, वो साहस नहीं जुटा पाया कि हम जाएं इनके खिलाफ कंप्लेन करें, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि उन्हें पता था इन्हें पूरी तरह से, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे जुडिशरी सेक्टर के लोग हैं, पूरी तरह से या तो कहें इनसे डरते हैं, या तो इन्हें पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। पर जैसे ही 2007 में मायावती की सरकार आती है, ये फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अपनी पूरी बातें रखते हैं। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें राजू पाल की हत्या क्यों की गई थी। राजू पाल की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि जो फूलपुर कभी नेहरू जी का सीट हुआ करता था, उसे किस प्रकार से आतंक से कलंकित किया जाता है, और पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति को वो सीट मिल जाती है, राजू पाल जैसे शख्स को, दिन दहाड़े उसको इलाहाबाद में दौड़ाकर गोली मार दी जाती है। और गोली लगने के बाद जब इसके गुर्गे, इसके लोग गोली मार के जाने लगे, तो कुछ लोग जो मौजूदा स्थल पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो उन्हें जान बचाने के लिए एक टेम्पो में लाद कर लेकर जाने लगे हॉस्पिटल, और यहीं तक नहीं रुके, उनको यह महसूस हुआ कि लग रहा है कि अभी जिंदा है, फिर उसका पीछा किए, फिर वहाँ रोक के 200 गोलियाँ भून दिए, पूरे शरीर को छन्नी छन्नी कर दिए। ये उसका आतंक था। जो व्यक्ति जेल के अंदर बैठकर इतनी बड़ी कंस्पिरेसी, इतनी बड़ी
षड्यंत्रकारी नीति बना सकता है उसके बाद उमेश पाल जैसे व्यक्ति की, जिन्हें कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है, ठीक है, दो चार गनर भी उन्हें दिए गए थे, पर किस निर्मम तरीके से दिन दहाड़े, जैसे लग रहा था कि नहीं सीरिया में आ गए हैं, ठीक है, दिन दहाड़े पूरी सीसीटीवी फुटेज कई लोगों ने देखा होगा, दिन दहाड़े गोली मारा गया, दो पुलिस वालों को भी जो गनर के रूप में तैनात थे उनकी सुरक्षा के लिए उनको भी निशाना बनाया गया, उनको भी मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, जो पीड़ित लोग हैं जो उनके आतंक को जानते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान से दुआ मांग रहे थे कि जैसे ही साबरमती से प्रयागराज आ रहे हैं इनकी भी गाड़ी विकास दुबे की तरफ पलटी जाए। पर कहने का मतलब यह है, ये भी चीज़ें सही नहीं है, न्यायालय है हमारे देश में, न्यायालय बताएगा किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और आज यही स्थिति है, वो भुगत रहे हैं। नहीं तो यदि सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो ऐसे इंसान को कैसे लोग निर्दलीय जिता देते हैं। सोचिए, निर्दलीय वह इसलिए जीतता था, किसी में इतना दम नहीं था कि उसके खिलाफ जाके अपना नॉमिनेशन भरे, अपना पर्चा भरे, ये उसका आतंक था। एक छोटा, एक मध्यमवर्गीय परिवार का लड़का इतना बड़ा आतंक मचा रहा था पूरे पूर्वांचल में, और सब लोग हाथ पे हाथ भरे धर कर देख रहे थे। वो तो अच्छा हुआ योगी सरकार की, जिसने सारी चीज़ों की तह कर जाकर जांच की, उसके बाद एमपी मल्ले कोर्ट के द्वारा उसे आजीवन कारावास दिया गया। और वही व्यक्ति रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और यहाँ तक कि मीडिया वालों से कह रहा था कि अरे भैया हमारी जान को बख्श दो, हो सकता है कि प्रशासन के द्वारा हमें मरवा दिया जाए। ये उनकी स्थिति है। ये स्थिति हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में पैदा ना हो, इसके लिए कभी भी याद रखिएगा, ऐसे अराजक तत्वों का, ऐसे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। हम और आप जब डरने लगेंगे तो इनका मन बढ़ने लगेगा, और इनके मनोबल के बढ़ने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो सत्ता का है, वो प्रशासन का है। सोचिए, जो पुलिस, जो शासन आप और हमारे सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, वो लोग ये जो कह रहे हैं बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अपराधी, उन्हीं की करते थे। जब हम और आप ऐसे व्यक्ति विशेष का चुनाव करके संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, तो आपको लगता है वो हमारे सही मुद्दों को उठाएंगे? वो हमारा शोषण ही करेंगे, हर स्तर पर शोषण करेंगे। तो वही स्थिति कायम थी लंबे समय तक। आप देख सकते हैं, चाहे अतीक अहमद हों, चाहे आपके तमाम ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, जो आज जिस तरह से सत्ता का संचालन हो रहा है, बड़े बड़े माफिया सब लोग अपने अपने बिल में, अपने अपने सुरंग में कहीं छुपे हुए हैं, दबे बैठे हैं। यदि इस शासनकाल में किसी ने गलत किया तो उसका भी यही हाल होगा जो अतीक अहमद का होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।